हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज था मेरा एबिलिटी पेपर इंग्लिश का, और गोल्डी तो अभी तक सो ही रहा है हमेशा की तरह। तो चलो, अब दिन की शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई है, फुल आए हैं एबिलिटी पेपर में। तो अब चलो, और अभी ये भी देखना है कि ब्रेकफास्ट में क्या बना होगा, तो वो भी देखेंगे और गोल्डी को भी उठा लेंगे। बस गोल्डी तो यहाँ पर सो रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट मम्मी बना रही है। गाइस, ब्रेकफास्ट में है सैंडविच। तो गोल्डी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ये थोड़ी देर पहले उठा है। तो चलो लेट्स वेट फॉर द ब्रेकफास्ट। तो गाइस, गोल्डी भी आ चुका है, अब हम खाएंगे सैंडविच। मम्मी अभी गोल्डी को पढ़ा रही है। तो गाइज, अभी मैं आ रखा हूँ बालकनी में, यहाँ का व्यू इंजॉय कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आज गोल्डी बहुत ही दिल से पढ़ाई कर रहा है, और हमें अपने प्लांट्स देखने आया था कि इनको सही पानी मिल रहा है और ये कैसे उग रहे हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुश हूँ, आज इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बाहर बालकनी में आके दिल खुशी हो जाता है। आप भी थोड़ी देर बालकनी में आया करो बाहर, मेरे को भी बहुत मज़ा आता है। गाइज, यहाँ पर देखो, तीन चार सौ ये बैठे हुए हैं। बस एक यही यही कैसे इंसेक्ट है जिनसे मेरे को डर नहीं लगता। गाइस, आज गोल्डी का थॉट आया है, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। गोल्डी, तेरे को समझ आया ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका मतलब ये है, जो चीज तुम खुद चाहते हो, बी इट रिस्पेक्ट, लव और एनीथिंग, वो तुम्हें पहले दूसरे को भी देनी चाहिए। भैया, मेरे को पता। अच्छा, अरे मैं तो आपको आपको भला करना चाहता हूँ। भला करना चाहता हूँ? क्या ओवर एक्टर है बोलती तू? क्या रहा है, आपको भला करना चाहता हूँ। सो गाइज, मेरी सारी क्लासेस ओवर हो गई हैं। यहाँ पे रखा है मेरा मैंगो शेक, तो नहीं मतलब मैंगो शेक नहीं, बनाना शेक, सॉरी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाऊंगा, एकदम हेल्दी, मतलब ज़्यादा चीज़ें हेल्दी होंगी उनमें से, जैसे फ्रूट्स इंक्लूड करूँगा मैं, और जैसे बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया। तो मेरे को तो देखो, शेक हो, किसी फ्रूट का शेक हो तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, पर खाली फ्रूट कभी कभी अच्छे नहीं लगते। खैर, कुछ भी कर लो गाइस, मैगी और चिप्स को छोड़ना वो तो कभी कभी चलता ही रहेगा, उन्हें छोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं जल्दी से अपना ठंडा ठंडा शेक पी लेता हूँ जल्दी से, इससे पहले वापस हो जाए। और गाइस, आप भी मेरे साथ साथ ये ऐसी टाइप की चीज़ें खा पी सकते हो, मेरे जैसा रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, लंच टाइम हो गया है, और लंच में है कढ़ी चावल और खिचड़ी। मैं तो खिचड़ी खा रहा हूँ और भैया के लिए कढ़ी चावल। और गाइस, साथ में हम लगा रहे हैं टीवी पे तारक मेहता। सो गाइस, चाय टाइम हो चुका है, और यहाँ पे बैठा है गोल्डी, और नाना जी भी बैठे हैं, अभी वॉक पे जाने वाले हैं, तैयार होके बैठे हैं फुल। और यहाँ पे नानी बैठी है, चल चाय पीना शुरू कर ले। मेरे लिए तो रखी है यहाँ पे नमकीन। सो गाइस, पापा ने ये बाहर से हमारे लिए स्नैक्स मंगाया, बहुत ही मस्त पनीर टिक्का, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, देखने से एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो जब पनीर हम दोनों का फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा कंपटीशन कर लेते हैं। क्यों गोल्डी? हाँ, मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी, और इसको एक बार देखो क्या मज़ा आ जाएगा चैलेंज करके। चलो, थोड़ा अचार ही पनीर टिक्का है, तो उसमें थोड़ा अचार का भी फ्लेवर सा आएगा। तो चलो हम कॉम्पिटिशन करते हैं, गोल्डी देखे कौन जीतता है। और देख, मैं तो एंजॉय करके भी खाऊंगा, तू भी देख लियो, अगर तू जीतने के चक्कर में पहले खा गया फिर तेरा ये फिर से नहीं मिलने वाले। हाँ हाँ, मैं तो एंजॉय करके खाऊंगा। आई एम नॉट बुद्धू। यू आर नॉट बुद्धू? आपकी तरह मैं बुद्धू नहीं हूँ। अबे ये क्या बात हुई?
मेरे हिसाब से तो विनर वो होगा जो सबसे ज्यादा एंजॉय करके खा पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने फायदे की बातें मत करो। वाह क्या टेस्ट आ रहा है, मैं बहुत टेस्टी हूं। तो गाइस मैंने हेल्दी ईटिंग चैलेंज स्टार्ट करा है, तो मैंने बजाय किसी और स्नैक के मैंने पनीर का ही स्नैक ले लिया है, पनीर टिक्का। तो गाइस में टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। यहाँ पे गोल्डी का पहले फिनिश होते हुए और नीरज का भी थोड़ा ज्यादा बच्चा लग रहा है। तो गाइस मेरा तो फिनिश हो गया, भैया का भी रहता है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ पे गोल्डी खाने का तो तू ही चैंपियन है, देखो कोई नहीं हरा सकता है। क्यों गोल्डी? हाँ जीत के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। किसी को लगता है वो गोल्डी को हरा सकता है तो कमेंट में बताना। मैं नाना जी कह रहे हूँ, मैं हूँ। डिनर टाइम हो चुका है एंड डिनर में है मेरा फेवरेट बैगन का भरता और साथ में लौकी और रोटी और यहाँ पे हम सबकी फेवरेट आम और गोल्डी भी फुल इंतजार कर रहा है आम खाने। सो गाइज वैसे तो पनीर टिक्का चैलेंज में हमारा थोड़ा बहुत पेट भर गया था, पर तभी भी खाना खा ही लेते रात को, तो गोल्डी भी सामने बैठा हुआ है तो हम अब सब मिलके डिनर करेंगे। मैंने अपने लिए एक निंजा स्टार बनाया है। अबे झूठे ये मैंने बनाया गाइस, ये झूठ बोल रहा, मैंने बनाया। तो गाइस ये देखो मेरी अमानत, रात को सोते समय न्यूज़पेपर मेरे को मिल गया सामने पड़ा हुआ, तो मैं सोचा मम्मी एडिटिंग कर रही है तब तक निंजा स्टार ही बना लिया जाए। और भैया हाँ मैंने बनाया, तो चलो गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट फॉर नाउ एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट और टेक केयर। बहुत झूम गया तो मैं तो यहाँ पे बालकनी में आ रखा हूँ और बस। तो गाइस जिन जिन भी लोगों ने बहुत टाइम से ट्राई नहीं करा कर लेना, हमने तो